अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूँ उज़्मा बेग और आवाज़ एंटरटेनमेंट के इस चैनल पर प्रोग्राम फ़न और फ़नकार के साथ हाज़िर हूँ। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इब्तिदा होती है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़न और फ़नकार, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा एक मंझे हुए माशाल्लाह माहिर फ़नकार अपनी पूरी फ़नकारी के साथ मौजूद होते हैं। होते तो अक्सर पाकिस्तान से, लेकिन मैंने ये पहले भी मेंशन किया था कि हम टोरंटो से भी, यानी कनाडा यूएसए से भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें अच्छे अच्छे फ़नकार मिले और हम उनका उनसे बातचीत करें। तो आज के जो मेहमान शख्सियत हैं, उनको हमने फ़ोन किया, उनका शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया हमारी इतनी अर्जेंट कॉल पर, और मैं तो वैसे भी इनकी बड़ी फ़ैन हूँ। जी हाँ, तो आप वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज हैं नहीं, इनकी शख्सियत पूरे टोरंटो में माशाल्लाह मशहूर हैं। जनाब डॉक्टर अली नकवी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए, और आपका प्रोफेशन भी और पैशन भी सबको ही पता है, लेकिन फिर भी एक रीत है तो मैं मेंशन कर देती हूँ कि माशाल्लाह आप तो बहुत ही क्वालिफाइड सीनियर जीनियस ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ टोरंटो में, राइट? एम आई राइट सर जी? ठीक है ना? तो माशाल्लाह पता नहीं हजारों लाखों स्टूडेंट को आप सिखा चुके हैं माशाल्लाह से। तो ये भी एक फन है ना, देखें ये भी एक आर्ट है, राइट? और फिर मौसीकी के हवाले से अगर बात करते हैं तो वो आपका पैशन है, और आप उसमें माशाल्लाह इतने अंदर तक जिसे कहते हैं ना तैर चुके हैं अब तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो दिन मुझे याद है कि जब आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, जब से लेकर आज तक जो है माशाल्लाह से आप से मुलाकात रहती है, तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब आप बताइए कुछ। सबसे पहले तो ये कि शुक्रिया आपको, आपका कि आपने बुलाया आज मुझे, और बड़ा नोटिस बड़ा शॉर्ट था। मैं बैठा चाइनीज खा रहा था और खट्टी खट्टी चीज़ें, आपका फ़ोन आया, गला बहरहाल बैठा था, कुछ तैयारी नहीं, लेकिन आपने कहा तो बहुत शुक्रिया कि मैं आज आपने मौका दिया। बातें तो इतनी हैं कि जो, चूँकि हम लोगों ने इतना साथ काम किया है, म्यूज़िक के शो भी किए हैं और स्टेज ड्रामा, उससे बड़ी यादें वाबस्ता हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने तो तारुफ कर दिया, बड़ी तारीफ़ें कुछ ज़्यादा कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि हमने इनकी डायरेक्शन में बहुत ड्रामे भी किए और बड़ा कुछ सीखने का भी मौका मिला, क्योंकि ये पाकिस्तान टीवी फिल्म और स्टेज की बहुत, मतलब मंझी भी और बड़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो जब इनके साथ काम करने का मौका मिला और जो हमने किया तो बड़ा मज़ा आया, और फिर म्यूज़िक से इनकी दिलचस्पी और इनका गाना, आज ही मैंने कहा था ज़रूर कुछ सुनाइएगा, कहने लगी नहीं आज नहीं सुनाऊंगी, तो मैंने कहा चलिए कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन एक बड़ा मुझे वाकया आज याद आ रहा है जब आपने अभी जिक्र किया, मुझे याद है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक प्ले कराया था, उनका जो सालाना उनकी यहाँ पर डिनर होता है, उसमें एक ड्रामा उन्होंने कहा कीजिएगा, सर सैयद अहमद खान के ऊपर था वो ड्रामा, सर सैयद अहमद खान बने थे। जी जी जी, और उस मौज़म खान ने उसको स्क्रिप्ट लिखा था, डायरेक्शन आपकी थी जी। और उसको प्रोड्यूसर मैं ही था, और वो, लेकिन उसमें बड़ा मज़े का एक किस्सा हुआ, मैं आपको बताता हूँ सीनियर आर्टिस्ट की देखिए क्या क्वालिटी और क्या खूबी होती है। हुआ ये था कि वो, उन्होंने हमसे कहा था कि साउंड सिस्टम सब कुछ होगा, ये हो, जब हम खैर वहाँ स्टेज पे थे जब वहाँ पर, और उस वक्त साउंड सिस्टम कुछ इतना बेहतर नहीं था, काफ़ी तो चीज़ें मिसिंग थी। हाँ, मिसिंग थी, तकलीफ हो रही थी। अब उसमें बड़ा कन्फ्यूजन भी था। हुआ ये कि देखिए सर सैयद अहमद खान का मैं करेक्टर कर रहा हूँ मेन, उसमें उस यूनिवर्सिटी के वाइस, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक करेक्टर था, वाइस चांसलर बैठे हैं, आपका बड़ा अच्छा करेक्टर था, बड़ा मौज़म खान ने भी करेक्टर किया था। उसमें हुआ क्या कि इतने उसमें मैं अपने डायलॉग भूल, सर सैयद अहमद खान अपने डायलॉग भूल गए, अच्छा एक लम्हे के लिए सकता हो गया। अब आप देखिए, मैं देखिए इनकी डायरेक्शन भी नहीं की थी उस ड्रामे की, इन्हें डायलॉग सारे याद थे पूरे ड्रामे के, अच्छा ये वहाँ बैठी हुई है, ये इन्होंने अंदाज़ा कर लिया कि मैं अब ब्लैंक हो गया, पब्लिक को तो इतना अंदाज़ा नहीं हुआ, ये उठ के आई और ऐसे कि जैसे कि सर सैयद के कान में कुछ बात कह रही हैं, और ये कहती हुई चली गई, इन्होंने मेरे डायलॉग हल्के से रिपीट किए, और वहाँ से मैंने फिर दोबारा अपना वो सिलसिला। तो मैं, मुझे बड़ा, मैं बताता ही हूँ कि देखिए हम लोग जब काम कर रहे होते हैं बड़ी तैयारी सब कुछ होता है, लेकिन कभी कभी जाहिर है कि कुछ ऊँच नीच होती है। इन्होंने जिस महारत से और जिस उससे उसको कवर अप किया है, और मुझे भी एकदम पूरा सारा याद आ गया, जाहिर डायलॉग में किसी को ज़रा महसूस भी नहीं हुआ, पूरी ऑडियंस पूरा हॉल भरा हुआ था,
और इतना ज़बरदस्त वो ड्रामा हुआ, आपको याद होगा, बहुत अच्छा। तो ये मैं बता रहा हूँ आपकी भी, मैंने आपने तारीफ़ें मेरी तो पता नहीं सच्ची है झूठी, लेकिन मैंने कहा आपकी तो ये जो मैं दिल से कायल हूँ कि इनका ड्रामों जितना इन्होंने फिल्म में और ड्रामों में सब में काम किया है पाकिस्तान टीवी पर और स्टेज पे पाकिस्तान में, तो मैं खुद इनका बड़ा मद्दा हूँ। तो जी आप थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वही अच्छा उसके बाद वो लोग कहाँ चले गए फिर? ये तो हर साल होना चाहिए था डिनर, तो खैर देखिए उनका होता है हर साल, लेकिन बात ये कि उन्होंने एक्टिविटी हो ये, अगर आपसे अब उनका कहें कि भाई कुछ तो थोड़ा सा मतलब इसके हवाले से, वो बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट भी था और चार लोगों का प्ले, बहुत आपने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे सर सैयद अहमद खान बने थे आप उसमें। जी जी, देखिए अब ये चीजें तो देखिए ये होती है ना कि उन्होंने हमसे कहा कि ये ड्रामा करना है, तो जाहिर है कि हम लोगों ने किया। इसी तरीके से पाकिस्तान कौंसलेट ने एक प्रोग्राम कराया था, उन्होंने भी ड्रामा किया था उस पर अल्लामा शिबली नुमानी और अल्ताफ़ हुसैन हाली पर, तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली का मैंने करेक्टर किया था, वो भी बड़ा अच्छा था। नाजिमुद्दीन नाजिम साहब उसके प्रोड्यूसर थे, पाकिस्तान टीवी के बहुत सीनियर प्रोड्यूसर, तो वो ये भी आखान ऑडिटोरियम में यहाँ पर केरला में हुआ था। पाकिस्तान में जी, आप पाकिस्तान में थी, मुझे जरूर, हाँ मुझे बताया था पाकिस्तान में थी। तो इस तरह फिर बहुत ड्रामे किए मैंने, जफर शाह के साथ भी, उनके डायरेक्शन में भी काम किया, उनके साथ भी बड़े ड्रामे किए। तो ड्रामे और थिएटर इसकी फील्ड तो बहरहाल थी, लेकिन म्यूजिक जो है वो तो लगता है कि जिस्म के एक एक रग रग में समाई हुई है। सही। अच्छा इस म्यूजिक को सीखने के लिए मतलब आप, हम लोग उस दौर के आर्टिस्ट हैं जिस वक्त इसको इतना सपोर्ट नहीं थी घर वालों की तरफ से, ठीक है ना, जरा इनकरेज ही कोई नहीं करता था। सवाल ही नहीं करता। मेरे अब्बा तो इतने गुस्से में होते थे कि मैं क्या बताऊं। तो आपको कैसा, आपके साथ भी यही सब फेस किया आपने फैमिली तो ये से था कि या? मैं तो नहीं, मेरे साथ तो ये था कि मेरी, मैं तो अपनी फैमिली में रेडियो टीवी पे भी गाने नहीं सुन सकता था, इतना माहौल वो था। लेकिन मैंने छुपते छुपाते आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान के उस्ताद थे निज़ामुद्दीन खान साहब कराची में, उनसे मैंने, दिल्ली गिराने से इनका ताल्लुक था, तो वो उनसे मैंने कुछ हारमोनियम की तालीम ली। उसके बाद फिर वहाँ निसार बज़मी साहब से, पड़ोसी भी थे और उनसे कुर्बत रही काफी अच्छा। आप तो बड़े मतलब जिनका नाम ले रहे हैं वो, हाँ, वो बहुत बड़ी एकेडमी। जी जी, और अब जो है ना मतलब वो जरा सी गलती बर्दाश्त नहीं करने वालों में। जी हाँ जी, और माशाल्लाह इन लोगों की बड़ी कुर्बत और मोहब्बत रही। फिर उसके बाद जब मैं कनाडा आया आज से 24 साल पहले, तो यहाँ सुहेल राणा साहब से मुलाकात हुई, और सुहेल राणा साहब से तो बहुत कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिला, उनका साथ भी रहा, उनसे बहुत सी बातें होती रहती हैं, बातें हुई, बड़े मैं कहता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त और बहुत अजीब इंसान। जी हाँ ये तो है, मेरी भी यहाँ मुलाकात हुई थी वाकई, जैसी आप बात कर रहे हैं ना, उनकी शख्सियत ही ऐसी है, अल्लाह उन्हें खुश रखे सलामत रहें, कि वाकई बहुत बहुत बड़ा नाम है सुहेल राणा साहब का। जी, बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जितना बड़ा नाम है उनकी शख्सियत भी इतनी प्यारी है, उतनी ही हम्बल और बिल्कुल बहुत अच्छे और अनेक अच्छे। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आप हमेशा पैशन ही को फौकियत देते हैं, लाइक अगर अभी आपकी, मुझे यकीन है कि कोई आपके $100 की भी क्लास होती है आप उसको कह देते भाई बाद में करें, पहले हमने, एम आई राइट, सही कह रही हूँ ना? हाँ, लेकिन क्योंकि हम दिल से, जो आर्टिस्ट है ना वो पैसे को थोड़ी देखता है, फनकार ने कभी पैसे का मुंह नहीं देखा, उसने अपने फन को देखा है, अपने आर्ट को, जहाँ उसे मौका मिलता है। एक बात ये भी है देखिए कि अब एक बिजनेस मेरा ये सेट है ओकुल में, मिसिसागा में, टोरंटो में, सब जगह, तो वो अब एक सेटअप बना हुआ है, जाहिर है कि उसमें सारे लोग काम कर रहे हैं और वो सब, तो अब वैसे भी थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। और लेकिन कभी भी मैंने पैसे को अहमियत कभी भी नहीं दी, ना कि अगर अपना कोई शौक़ ये म्यूज़िक या ड्रामा या ये चीज़ें हों, आर्ट की से रिलेटेड कोई भी हो, तो वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं समझता हूँ, इसलिए कि उसका मुझे शौक़ दीवानगी की हद तक है। तो बाकी वो मेरा बिजनेस है और अच्छा खासा काफ़ी 24 साल, उससे 20 साल हो गए मुझे वो सेटअप किए हुए, तो वो अपना सेटअप चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है। नहीं आप ये है दोनों जगह माशाल्लाह जो है ना बहुत ही अच्छे से आप कामयाब हैं, अपना पैशन में भी और प्रोफेशन में भी। मुझे बहुत खुशी होती है हमारे जो दोस्त जो है अपने अपने कामों में आगे हैं, खुश हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए तो आप जो है ना जरा आज जब हमें सुनाइए कोई, आपको तो मेरी पसंद सारी पता है, मुझे कौन कौन से गाने पसंद है, मुझे तो वो भी पता है कि आप कौन कौन से गाने गाती हैं, मैं तो वो भी बजा सकता हूँ, गाइए तो हम लोगों ने बड़ा साथ किए हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बड़ा अच्छा गाती हैं ये, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं गा रही है, मुझे हैरत है। इंशाल्लाह वो, चलिए वो तो मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो तो। हाँ, ईश्वर राणा साहब की ही कंपोजिशन है और जी, पर है शायरी भी कितनी प्यारी। हाँ, है, कितना प्यारा है ना इसका, एक अंतरा मैं इसका सुनाता हूँ। जी जी।
अच्छा, थोड़ा सा एक थोड़ी आप लोगों की नॉलेज में इजाफा भी करता चलूं कि कभी आपने सुना होगा, जैसे अभी आपने कहा एक अंतरा सुनाए और उसके बाद, तो अंतरा से पहले जो अशार होते हैं वो मुखड़ा कहलाते हैं। तो मैंने सर बज़मी साहब से सवाल किया था कि ये कहीं कहा जाता है मुखड़ा और कहीं कहते हैं अस्थाई, तो मैंने कहा ये क्या फ़र्क है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, शायद आप लोगों की भी नॉलेज में इजाफा होगा। मुखड़ा कहते हैं अगर पहला शेर और दूसरे शेर एक ही तर्ज का हो तो मुखड़ा कहलाता है गाने का या किसी भी गज़ल का, गीत का। लेकिन अगर पहले मिसरा जो है उसका अलग तर्ज है और दूसरे मिसरे की अलग तर्ज है, तो पहले वाला जो शेर है, जो मिसरा है, वो कहलाएगा अस्थाई और दूसरा वाला कहलाएगा संचाई। तो अस्थाई और संचाई अगर अलग अलग उसके तर्ज। मेरे उस्ताद की बात बिल्कुल आपने, मेरा उनसे तो नहीं रही बैठक अपना निसार बज़मी साहब के, मेरी किस्मत, लेकिन मेरे भी उस्ताद कहते ना कि जो उस्ताद के साथ सीखेगा ना या बैठेगा उसको उनकी कुछ ना कुछ बातें बहुत मौका मिलता है और याद भी रह जाती है। आज कितने साल हो गए मुझे, मेरे उस्ताद पाकिस्तान में हैं और मैं यहाँ, उनका नाम है आगा अजीज नजमी जी। मुझे तो पता था लेकिन मैं चाहता था कि नहीं, आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। नहीं, देखिए मैंने तो आपसे जैसे कि ड्रामा और उसमें बहुत कुछ सीखा, और जाहिर है हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, सारी जिंदगी हम सब एक दूसरे से, आम जिंदगी में भी एक दूसरे से ये चलता रहता है सिलसिला जो है ना, इसको कभी माइंड भी नहीं करना चाहिए अगर कोई किसी की करेक्शन करे या बताए। इवन हम अपने छोटों से ही बहुत शुक्र गुजार, मैं तो शुक्र गुजार होती हूँ, थैंक यू सो मच, मुझे याद नहीं था तुमने बता दिया, तुमने कह दिया, बिल्कुल अच्छी बात। देखे ना आज आपकी ग्रेटनेस है कि कितने साल हो गए उस प्ले को, लेकिन डॉक्टर साहब को वो वाक्य याद है अलीगढ़ प्ले का कि तुम ऐसे उठ कर आई, ऐसे बात करी और इस तरह के, जैसे मुझे पूरा आपने वहां से दिया कि वही डायलॉग वहीं चली शुरू हो गया था। बहरहाल ये तो बड़े बड़े किस्से होते हैं और चलते रहेंगे, मुझे याद है इससे पहले कि आगे शुरू करूं एक और किस्सा, जब मैं स्कूल लाइफ में मैंने एक ड्रामा किया था तो उसमें भी मैं हर जगह सुनाता भी हूँ ये किस्सा। उसमें क्या था कि वो कमसिन सलार मोहम्मद, मतलब इस तरह ड्रामे का नाम था कमसिन सालार, तो उसमें स्टेज पे वो आता है, एक हमारे स्कूल के हम लोग सारे थे लड़के और वो कर रहे थे, तो उसका डायलॉग जो था वो ये बोलना, जिसे बोलना था ये बोलना था कि घूर के क्या देखता है, झुककर सलाम कर महाराज को। अच्छा, ये डायलॉग बोलना था। अच्छा, बोलने वाला डायलॉग थोड़ा सा ऊंच नीच कर गया। अच्छा, कहला झुक झुक के क्या देखता है, घूर कर सलाम कर महाराज को। तो अब ये स्टेज पे हो रहा था, अब इसको करेक्शन तो हो नहीं सकती थी, जो चला गया। तो ऐसे बहुत से वाकयात बड़े दिलचस्प होते रहते हैं जब हम थिएटर स्टेज करते हैं, तो बहरहाल तो ये याद आ गया। तो बड़ी अच्छी रही बात। ये सुहेल राणा साहब की कंपोजिशन, बहुत खान साहब मेधी हसन से उन्होंने गवाया था, मुझे बहुत पसंद है और उन्हीं से ही मैंने बहुत पसंद है। आवाज में कोई नुक्स यकीनन होगा तो माफ कीजिएगा। मुझे तुम नजर से घेरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से घेरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी, जिधर जाओगे तुम कभी नवाबन के, कभी बन के आंसू, कभी कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, क्षमा
जो जलाई मेरी वफ़ा, बुझाना भी चाहो बुझाना सकोगे, मुझे तुम नजर से। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है, और अगर इसके साथ बाकी इंस्ट्रूमेंट और तबला भी हो तो और मजा आने लगता है हमें भी और सुनने वालों को। तो बगैर उसके ही जो है, आप जब भी मैं आपसे फरमाइश करती हूँ ये सुनाइए हर महफिल में, मेरा ये होता है कि ना बहुत ही अच्छे आप, मेरी सिलेक्शन है आपको पता है पाकिस्तानी गानों की। जी जी जी, बहुत आप खुद भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गाने आप गाती हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर अली नकवी साहब, और आइए वक्त हुआ है हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। जीटीए में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 6472918102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। Zoq. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, jalebiyan, fresh naan. Takreeb aapke ghar mein ho ya ghar se bahar, Zoq is providing full service now. And Zoq has opened a new banquet hall, garden events center. Aapka Zoq dekhkar log kahenge, kya Zoq hai aapka? Call right now 905-625-7786. Zoq. Zoq walon ke liye. Zoq. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, jalebiyan, fresh naan. Takreeb aapke ghar mein ho. Dixie Electronics aur Appliances pichle 16 saalon se khareedaron ki khidmat kar rahe hain. हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तियाब हैं, जो आप बआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिलबोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128, 416-DIGITAL-SIGN। कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या शादी की तकरीब, बर्थडे एनिवर्सरीज हो या हो बेबी शावर, और अगर आप चाहते हैं स्टूडियो सेटअप, रेंटल बैकड्रॉप्स, हार गजरे या पार्टीज के लिए फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, देन कॉल आफिया खान एट 416-628-7849। एसेंस इवेंट डेको, क्रिएटिव, एलिगेंट एंड यूनिक। जी नाज़रीन, तो हम थे एक ब्रेक पर, तो मैं ये चाहूँगी कि आप भूलें ना और हमें कॉल करें आवाज़ एंटरटेनमेंट को टू प्रमोट योर बिजनेस। तो जी राव साहब, आपका शुक्रिया। अब बताइए दूसरा क्या सुना रहे हैं आप कुछ? अच्छा, नहीं सुनाते ही रहेंगे या बातें भी होंगी? बातें कुछ भी सुनाइए। अच्छा, तो आपने व्हाट यू हैव डन कराची, तो मुझे पता है कराची यूनिवर्सिटी के भी माशाल्लाह आपने वहाँ भी बड़ी धूम मचाई है। जी, जबरदस्त जो है आप वहाँ पर
बहुत ही बोल्ड किस्म के रहे हैं, हर चीज में आगे आगे, दोस्तों की बात हो तो लड़ने मरने को तैयार है आगे, कुछ भी हो तो जनाब डॉक्टर साहब जो है ना सबसे आगे हैं, ये तो मुझे पता है। तो बताइए आप अपने यूनिवर्सिटी का कोई किस्सा या कोई बात, कोई बात। जाहिर है कि मैंने वहाँ से बड़ा टाइम गुजारा जी, मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया, फिर मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर वहाँ स्टूडेंट यूनियन में बड़ा बहुत एक्टिव रहा। हुसैन अक्कानी हमारे साथ के थे, अब तो आजकल अमेरिका में होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में ही ज्वाइन कर लिया अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर में पहले, उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार, और उसके बाद मैं एक्टिंग रजिस्ट्रार भी रहा कराची, और मैं 5 साल की छुट्टी लेकर आया था यहाँ पर। और उसके बाद 5 ईयर्स की, जी जी 5 ईयर्स की मैक्सिमम छुट्टी ले सकते थे फॉरेन सर्विस लीव। अच्छा, तो लेके मैं यहाँ पर आया, और उसके बाद लेकिन फिर मैंने यहीं पर ही बस फिर यहीं दिल लग गया। अच्छा, लग गया। हाँ। ये आप पहले इंसान किसी से नहीं, किसी से नहीं कनाडा में, ये आप पहले इंसान है जो मैंने ये सुना है कि जी मेरा यहाँ दिल लग गया। अदरवाइज मुझसे कोई बात करे कहे तो मैं कहती हूँ रह तो रही हूँ, बहुत अच्छा कंट्री है, इसने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता। बस दिल वही है, फन में, आर्ट में। आपको पता है यहाँ पर फन के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम है, बहुत थोड़ा सा। ऐसी मुश्किल से आप यू नो टू सर्वाइव योरसेल्फ, आपको तो जॉब तो दूसरी ही करनी है, प्रोफेशन एंटायरली डिफरेंट है। मेरा हेल्थ एंड केयर से हो गया, कभी सोचा भी नहीं था। अब जो है कि कहाँ गया म्यूजिक और कहाँ गया ड्रामा, उसके लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन बीच में आपने देखिए ड्रामो के लिए और अपने म्यूजिक के लिए भी टाइम निकाला, बहुत टाइट अप हो गई ना, बहुत टाइड अप हो गई। देखिए एक बंदा जॉब कर रहा है, फिर उसके साथ जना वो म्यूजिक को, इसको ड्रामे की रिहर्सल्स होना जरूरी है। असल मैं भी बताऊं, मुझे इसलिए टाइम मिल जाता है क्योंकि देखिए मैंने पहले मैं सीआईबीसी बैंक में जॉब कर रहा था यहाँ के शुरू में, लेकिन वो मेरा मिजाज नहीं था कि टाइम से और जाना और ये ना, फिर रात को प्रोग्राम हो रहा है तो दिन में हूँ ग्रह बैठे हुए। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि कोई भी हो अपना काम होना, अपना बिजनेस होना चाहिए। और उस पर बाद जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, आज 20 साल हो गए, तो लेकिन कम अज़ कम फिर मुझे इतना हुआ कि मैं थोड़ा सा अपने इस शौक को मैं टाइम दे सकता हूँ। तो ये था कि चूंकि अपना काम करना शुरू कर दिया था और उसके बाद अल्लाह ने उसमें बरकत दी माशाल्लाह, तो इसलिए मैं ज़रा सा इसका टाइम मिल गया। और वो अपनी जो कुछ भी है थोड़ा बहुत शौक पूरा होता रहता है, चाहे ड्रामों से मुतालिक हो, बल्कि अब तो 1.5-2 साल से तो हम लोगों का कोई ड्रामा भी नहीं हुआ। कोरोना आ गया, एक तो कोरोना आ गया, उसने सबको अलग अलग कर दिया, घर बिठा दिया कि भाई अब जो है ना तुम लोग मिलो भी नहीं, हाथ भी नहीं मिलाना है जी, फासले से बैठो और मिलो। तो उसमें हमारे ड्रामे करने कौन देखने के लिए आएगा। बड़ा वो जदी साहब का भी आप जो स्क्रिप्ट लिखा रही थी, प्राइड बड़ा अच्छा, जी और वो ड्रामा कितना अच्छा हुआ था, हिट, सुपर डुपर हिट ड्रामा था माशाल्लाह, फुल हॉल, और उसकी लोगों की फरमाइश पर दूसरा शो हमने किया था। जी जी, उसके टोरंटो में दूसरा शो, इतना बेहतरीन वो प्ले था। पहला मिसेस सागा में किया, फिर उसके बाद नाम बताइए क्या था, मुन्नी बंधा नाम नहीं, मुन्नी बताए, वो तो वो भी तो था। अच्छा, वो पहले था, पहला था मुझसे शादी करो। हाँ, इसलिए मैं कह रही थी जरा नाम तो बताइए क्या सही है इन्होंने, मैं ऐसे हमने इतने ड्रामे किए तो याद नहीं रहा। हाँ, प्लेस बहुत किए, लेकिन अथर शाह खान जी दी, उनका ये था मुझसे शादी, उनका वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको पता ही थे, उनके पास गई इजाजत से, उनके गई, उनसे कहा, तस्वीरें बनी पूरे जंग में और सब में इतना शोर हुआ उसका, जी जी जी, के जी वो है, और ये उनसे इजाजत ली थी कि जो ये 70-80 पेज का ड्रामा है इसको मैं शॉर्ट करूंगी, उसमें आपने हाँ, उसमें दो डांस रखूंगी, दो डांस रखूंगी। कहते अरे लड़की, डांस का होना जरूरी है क्या? मैंने कहा डांस तो जरूरी है, मैंने कहा प्ले में जी दी, बड़े अच्छे, इतने अच्छे इंसान, हम्बल, डाउन टू अर्थ के मैं क्या बताऊं। जी जी जी, आपने तो उनके साथ काफी काम किया, बहुत काम किया उनके साथ मैंने, और बहुत अच्छे इंसान थे, इतनी पजीराई और इतनी मोहब्बत से मिलते थे। मतलब गई थी मैं उनके पास 1 घंटे के लिए, यकीन करें सुबह से लेके रात हो गई उठी नहीं हूँ, कह रहे बैठो अभी कहाँ जा रही हो, अरे लड़की तुम कहाँ जा रही हो, ऐसे मजे से, कि मैं कहती फिर से कहिए जरा दोबारा, सुनने को अच्छा लगता है, लड़की बैठ जाओ, लड़की बैठ जाओ, मत जाओ। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी।
इसी दिन आपने मोइन अख्तर साहब के साथ भी अरे मोइन अख्तर साहब के साथ इतना काम किया, क्या बड़े बड़े आर्टिस्ट, क्या अच्छे। मैं क्या बताऊं कि बस मैं ये सब चीजें ना बहुत मिस करती हूँ। अब मैं इतनी हो गई हूँ उससे ना सेंसिटिव और इमोशनल कि मैं कहती हूँ वो कहाँ गए दिन, मैं कहाँ से वो दिन लाऊं। आपकी जो फिल्म थी उसकी तो वो थी ना डायरेक्टर जो थी, क्या नाम, शमी मारा साहब, क्या आर्टिस्ट थे वो। मैं तो उनकी मूवीज अभी भी जब देखता हूँ, उनकी मूवीज क्या, उनकी क्या प्यारे प्यारे गाने उनपे पिक्चराइज हुए हैं ना, उनकी डायरेक्शन में काम, उनकी फिल्म में आपने काम किया। मैं और बाजी का साथ कमरा, एक अकेले कमरे, यानी कि उन्होंने अपने हस्बैंड को कह दिया था अल्तुमा, तो कह लगी भाई उज़मा आई है तो तुमने कह दिया अब तुम इसके साथ शेयर कर रही हो रूम। तो मेरी और बाजी शमी मारा की बड़ी अच्छी बातें होती थी, इतनी अच्छी आर्टिस्ट, इतने अच्छे इंसान के, बस क्या याद दिला दिया आपने। देखे भाई, देखिए आपने अब बुलाया तो मैंने कहा जब आप यादें है ना ऐसी, हाँ, exactly, देखिए ये बातें ना आप कर सकते हैं, हाँ, इसलिए कि हमने, आप हम एक आर्टिस्ट हैं और हमने टाइम साथ गुजारा। कोई दूसरा मेहमान होगा ना किसी और प्रोफेशन से तो उसको ये बातें नहीं पता होंगी, ये हमारी आर्ट की जो बातें हैं अच्छा। चलिए अब बताइए कुछ और सुनाइए, वो भी आपको पता है मेरी पसंद क्या है, आप बता दीजिए, ताकि आपकी जो तवील फहरिस्त है पसंद की, ताकि ये कि जिस जो आप कहें इस वक्त क्या, वो है कि जी अकेले न जाना हमें छोड़, अच्छा साहब की कंपोजिशन है और बहुत अच्छा, वो वहीद मुराद साहब ने उनसे मांग ली थी, हालांकि सुहेल साहब बताते हैं कि उनकी अपनी फिल्म के लिए ये कंपोजिशन थी, लेकिन वहीद मुराद ने साहब ने उनके आगे ब्लैंक चेक रखा कि जो चाहिए लिख दीजिए इस पर, लेकिन ये गाना मुझे दीजिए। मरहूम वहीद मुराद साहब बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, सुहेल साहब ने फिर उनको जाहिर है कि दे दिया, क्योंकि इन लोगों की बड़ी आपस में बड़ी दोस्ती भी थी, अच्छे ताल्लुकात थे दोनों ही, बड़ा साथ काम इन्होंने काफी अर्से किया। तो बहरहाल वही साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है, हम लोग की खुशकिस्मती है कि सुहेल राणा साहब यही इसी टोरंटो में ही हम लोग हैं, जी हाँ। साथ होते हैं, बड़ा अच्छा साथ रहता है। तो उनकी ये कंपोजिशन है अपनी फिल्म, मैंने थोड़ा सा नोट नीचे रखे हैं इसके, क्योंकि गला भी मेरा कुछ हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो क्योंकि तैयारी से तो नहीं था, अचानक प्रोग्राम बना आज का, ये ही जबरदस्त है। अकेले न जाना, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या दिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है आस हो तुम, ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अगर मैं यहाँ अहमद रुश्दी साहब का तस्करा ना करूँ
उन्होंने ये गाया था गाना, बहुत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के और टीवी के बड़े अच्छे और बड़ी खूबसूरत आवाज एम एस रुश्दी साहब, उन्होंने ये गाया था। इतनी उनमें ना इतना चार्म और रोमांस था उनकी वॉइस में, मतलब हर रोमांटिक सॉन्ग जो है ना वो एम एस रुश्दी साहब की आवाज पे ऐसा जचता था, फिट बिल्कुल बैठता था। और वहीद मुराद जो की वहीद मुराद साहब जो हमारे चॉकलेटी हीरो रोमांस में, उनसे बढ़कर मैं कहती हूँ कोई नहीं। रोमांस और गानों की पिक्चराइजेशन उन पे खत्म, वो सारे गाने ना उनपे सूट करते थे और वो गाते। क्या अच्छे अच्छे आर्टिस्ट अल्लाह पाक ने हमें दिए, बहुत नवाजा हमें फन से, हर चीज से। मैं कहती हूँ मुल्क पाकिस्तान में किसी भी चीज की कमी नहीं है, आज भी बहुत टैलेंट है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में म्यूजिक को लेके, ड्रामा और ये हर चीज को लेके, इतना हर फील्ड में मैं कहता हूँ इतना पाकिस्तान जो है वो जरखेज मैं कहता हूँ जगह है कि दिल खुश होता है। और बस ज़रा मौके और मिले लोगों को, नए आने वालों को भी और सारे मिल रहे हैं। अब ये जो वक्त आ गया ना, आप देखें ये टिकटॉक चल पड़ी है तो घर घर में आर्टिस्ट हैं, हर एज के में, और ऐसी ऐसी यूट्यूब आ गया है तो सारी दुनिया में वो डाल हर जगह। पहले तो एक चुने हुए सिलेक्टेड होते थे ना, भाई ये आर्टिस्ट है ना, अच्छा ये रेडियो करते हैं, ये टीवी करते हैं, ये स्टेज के। अब तो कोई उसमें फर्क नहीं रहा, हाँ, और अब तो हर कोई अपना चैनल भी है, अपनी है, और टिकटॉक बना रहे, अपने शौक को ना पूरा कर रहे हैं इस तरीके से। और टैलेंट सामने भी आ रहा है, टैलेंट भी आ रहा है। मैं देखती हूँ, आई मीन रिगार्डलेस द एज फैक्टर, हर तरह हर एज के लोग जो है कपल, वो जनाब अच्छे अच्छे मतलब सीन कर रहे हैं, क्लिप्स बना रहे हैं और गाने भी पिक्चराइज कर रहे हैं। तो ये बात है, इतना मौका दे दिया है इस जो है ना टेक्नोलॉजी ने कि अब कोई दूर नहीं रहा जी, कि हम सब आर्टिस्ट वो कहते हैं, हम भी हैं जी, हम भी खड़े हैं राहों में, में। खड़े हैं राहों में, हम भी हैं पड़े हैं खड़े वो नहीं, वो पड़े हुए वाली बात नहीं है अब जी, वो कहते हैं कहते हैं हम भी खड़े हैं राहों में, अब हमें पहले हमें क्रॉस करो टप के जाओ। अच्छा मुझे याद आई कि जब मैं कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में था ना, और तो मैंने ये ड्रामा तालीमी बालगान कराची यूनिवर्सिटी में करवाया। अच्छा, तकरीबन 10,000 का मजमा था और यही सारे काजी वाजिद और वो जो थे सारे वही आर्टिस्ट थे, सुभाष यूनुस, आशिम मुनीर साहब, सब वही आर्टिस्ट थे जो तालीम बालगान के हासिल हैं। और इतना कामयाब ड्रामा था, वो खुद उन्होंने कहा था कि हमें वाकई इससे ज़्यादा मज़ा कहीं दिखा है। ज़ाहिर पढ़े लिखे पूरा हजूँ और वो ड्रामा भी ज़रा पढ़े लिखोगा वैसा था, उसमें बड़े जुमले बड़े खूबसूरत थे उनके, ख्वाजा मोइनुद्दीन के ड्रामा लिखा हुआ था। तो करवाया था वहाँ पर, तो ये जो थे महमूद अली साहब और ये लोग, इन्होंने कहा कि हमें वाकई इतना मजा कभी नहीं आया, इतनी बड़ी पब्लिक इतनी ज्यादा देखने वाले थे, कॉन्वोकेशन ग्राउंड में था। ये कि बड़े मंझे हुए आर्टिस्ट सारे थे, पूरा वही टीम थी आशिम मुनीर साहब से लेके और सारे, तो वो मुझे याद आ गया कि वो ड्रामा भी करवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नाज़रीन हम एक हमारे साथ तो रहेंगे डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। इट्स गुड टू ड्रीम बिग, To own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ तआवुन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। आवाज एंटरटेनमेंट, कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तियाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तियाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। एंगेज इन सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास, डू
doorbell video and alarm system installation since last 20 years in Toronto. Certified team of professionals serving Ontario completed many residential and commercial projects successfully. High ranking reviews on Google, Better Business Bureau and Home Stars. 100% satisfaction guaranteed. For free estimate, call Feroz Khan at 647-504-8325 or visit ACN Technology, Gateway of Communication. अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128, 416-DIGITAL-SIGN. जी नाज़रीन, हम थे एक ब्रेक पर और आइए ब्रेक के बाद फिर से बातें शुरू करते हैं. आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं जनाब डॉक्टर अली नकवी साहब, टोरंटो की मशहूर शख्सियत हैं ये, और इनको हम इनके शुक्रगुजार भी हैं और इनको फिर से वेलकम करते हैं कि आपने इतना टाइम दिया जनाब डॉक्टर अली नकवी साहब. नहीं, शुक्रिया आपका बुलाने का, याद करने का. नाज़रीन से एक बात शेयर कर लूँ. जी जी बिल्कुल. जिस दिन अभी ब्रेक था थोड़ा सा जी, तो मैं पूरे टाइम इनको ये मनाने में लगा हुआ था कि आप जो गाती थी तो आज थोड़ा सा और सुना दीजिए. कहने लगी ड्रामा हो तो मैं एक्स्ट्रा बोर कर सकती हूँ, लेकिन गाने के लिए तैयारी की जरूरत होती है तो मुझे तो टाइम चाहिए. तो बहरहाल हमारी ऐसी मुराद चल रहा था. तो सही बात है ना, यू एग्री विद इट ना. आप तो माशाल्लाह रोज के शोज करते हैं. अच्छा, जो बंदा रोज शोज करता रहता है उसकी वही रिहर्सल हो जाती है एक तरह से ना, प्रैक्टिस जो है रिहर्सल वो ऐसे ही हो जाती है कि भाई हर या 10 दिन बाद एक शो हो रहा है. चलो भी जो हमने गाने ना, चार गीत गजलें, तो मैं और आप कितनी प्रैक्टिस नहीं करते थे. कहते थे शो है तो आ जाइए फटाफट, हारमोनियम मेरे तैयारी होती. अच्छा, और अब मैं भी क्या कह रही थी कि मेरे हारमोनियम को तो पता नहीं कितनी चादरों में लपेट के मैंने उसको रख दिया किस कोने में कि भाई उसका वक्त ही नहीं आता, वरना सुर सरगम करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. हमारा पिछला शो था उसमें बहुत बड़े पाकिस्तान के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कंपोजर जनाब जाहिद हुसैन साहब से बात हो रही थी, जिन्होंने बेइंतहा गानों के वो दिए हैं और उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला. तो कहने लगे उज़मा ये तो बात है कि उस्ताद का होना तो बहुत जरूरी है गाने के लिए. कोई शक नहीं. तो गाने के लिए किसी चीज में उस्ताद का काम सीखना तो उस्ताद. हाँ, तो बाकी चीजों में तो चलो ठीक है, मैं लिख लूं एड बनाने कुछ करने फटाफट. ये लोग यहाँ पे कहते हैं जल्दी से मैं वो बनाइए एड बोल फटाफट कर देती हूँ, लेकिन गाना जो है उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है. डरतियां बना के ऐसी भी कोई बात नहीं, डरती नहीं हूं, लेकिन इतने अरसे से गाए नहीं. आप तो पता नहीं कहां गायब है इस हारमोनियम के साथ के नहीं है. देखिए रियाज की तो सबको जरूरत होती है, मेरा भी कोई नहीं होता. आपकी हो जाता है ना रियाज में प्रैक्टिस, शोज के अंदर चार गाने गाए छह गाए दैट इज अ रियाज. लोग आपको इतना पूछ रहे हैं जिसकी के हाजिरी पता है, बहुत लोग याद कर रहे हैं. अभी बताऊंगी शो के बाद में आपको क्या सुना रहे हैं. हाँ, क्या बात है. हाँ हाँ हाँ. अच्छा ये भी मेरे साथ दो सुनाइए, एक अंतरे पे मत बंद कीजिएगा. क्या बात, देखिए आज थोड़ा सा गला मेरे भी साथ दे रहा है लेकिन ये साहब की ये भी कंपोजिशन बड़ी खूबसूरत है. उनको ये मैसेज मेरा जरूर दीजिएगा कि उज़्मा ने जो भी फरमाइश करी है उसको पसंद भी आप ही के हैं और सारे आप ही के प्रोग्राम में जो है ना वो चले हैं गाने. हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो. सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें
सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जानी जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने इर्द ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने इर्द ना करो, आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने इर्द ना करो। अच्छा, तो मैं बता ही रहा था कि इस गाने से हवाले से दो तीन बातें हैं। ये गाना सुहेल राणा साहब ने कंपोज किया था फिल्म बाजी के लिए और हबीब अली मोहम्मद साहब से गवाया था। उसके बाद तकरीबन तमाम सिंगर्स ने, इंडिया के भी पाकिस्तान के भी सारे सिंगर्स ने, सब ने गाया। हाँ, सब ने गाया इसको और इसी तर्ज में, और इवन आशा भोसले साहिबा ने, उन्होंने भी गाया, और साथ ही साथ एआर रहमान साहब जो म्यूज़िक के बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इसको गाया और इसी थोड़ी सी तर्ज में उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गा के रिकॉर्ड करवाया। तो मतलब ये कि एक अजीब खूबसूरत चीज़ सुहेल राणा साहब ने बनाई है, जिसको बहरहाल पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया ने उस चीज़ को जो है ना दिल से लगा के रखा है। मेरा भी बहुत फेवरेट है, मैं भी मतलब अक्सर गाती हूँ, यही बहुत मुझे पसंद है। तो क्या बात है, बस आपने इसके बाद एक गजल याद मुझे आ रही है अभी इसी का, तो वो भी थोड़ा सा मैं उसका भी एक सिर्फ अंतरा या कहते हैं मुखड़ी सुना दूंगा। शहनाज बेगम बहुत खूबसूरत पाकिस्तानी, ओहो हो, उनकी भी मेरी कुछ वही फेवरेट निकाल रहे हो क्या? तो सब आपको पता है सारी जो है ना, उन्होंने बड़ा खूबसूरत गाती थी। जैसे साथ में एक और चीज याद आई, अगर हम लोग गजल का जिक्र हो और जगजीत साहब का जिक्र ना करें तो उनकी गायकी का, सही बात, तो अधूरा रहेगा मामला। खास साहब के, मेदियासन साहब के मैंने अभी सुना है, लेकिन जगजीत साहब बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत अच्छे इंसान, अल्लाह पाक ने उनको आवाज दी थी, सही बात। अमर कर दो,
बात, माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत, बड़ा मजा आया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा जो है ना हमारा आज का ये शो रहा। झलक है नहीं तो जॉइनिंग अस, इंस्ट्रूमेंट हो सब पूरा ऑर्केस्ट्रा और सारी रात सुना जाए वो तो हमने सुनने वालों को भी मजा आएगा। शोज आपको पता ही है उसकी एक अलग बात है, लेकिन आपने सिर्फ हारमोनियम पर ही जो है बड़ा अच्छा लगा सुन के। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अब इजाज़त लेते हैं, वक्त हुआ चाहता है, और मैं यही कहूँगी कि आप लोग, एक शेर मैंने पढ़ा कि लोग अकड़ कर ऐसे चलते हैं, लोग अकड़ कर ऐसे चलते हैं जैसे आबे हयात पीते हैं। तो बस यही है कि अपने अंदर थोड़ा सा नरमी पैदा करें तो बहुत सारे बड़े बड़े बिगड़े मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे, संभल जाएंगे, बिगड़ी हुई चीज़ें या बिगड़ने वाली होंगी तो वो भी ठीक हो जाएंगी। बस थोड़ी सी नरमी चाहिए, थोड़ा सा प्यार, प्यार ना भी हो बस अपना लहजा जो है ना वो कहते हैं उसको ही अगर आप थोड़ा सा धीमा कर लें तो क्या बात है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।